हे गाइस, मैं हूँ अपर्णा और आपका स्वागत है द स्मॉल टाउन व्लॉगिश में। आज हम करने वाले हैं एप्रिकॉट कर्नल ऑयल का, जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है 100% प्योर, उसका रिव्यू। ये ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा दिखता है और ये कैसे काम करता है। लेट्स ओपन द दिस इज द बॉक्स। ये ऐसा पीच कलर का ब्यूटीफुल सा बॉक्स है, आप देख पा रहे हैं। ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है और हम इससे एक बॉटल निकालेंगे, जो कि ग्लास बॉटल में आता है ये एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, और साथ में आता है ग्लास ड्रॉपर। और ये जो है एक एम्बर बॉटल बोलते हैं इसको, ये इसलिए ब्लू कलर की बॉटल होती है बिकॉज़ कि इसमें कोई सनलाइट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ना पड़े, आपके ऑयल ख़राब ना हो और आपके स्टोर करने पे कुछ भी इसके साथ कोई भी यूवी रेज का इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके बाद हम बढ़ते हैं, तो इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप स्किन और हेयर दोनों पे काम कर सकते हैं। ये छोटी सी बॉटल 30 ml की बॉटल, 350 rupees MRP है इसकी, और मैं आपको खोल करके दिखाऊंगी कि इसमें ड्रॉपर कैसे लगाना है, क्योंकि ये ऐसे ब्लैक कलर के प्लास्टिक के ढक्कन के साथ आता है। ये प्योर 100% प्योर ऑयल है, क्योंकि इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोल्ड प्रेस्ड मेथड का यूज़ हुआ है, यानी कि आप कोई भी केमिकल हीट से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये मैनुअली एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए ये प्योर है। आप ये देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, इसकी स्मेल भी बहुत ही न्यूट्रल है। मैं इसे जब पाम में ले रही हूँ बस दो ड्रॉप, मुझे लग रहा है कि एक बार मैं देख लूँ कैसा है फिर मैं आपको दिखाऊँगी। प्योर है और ट्रांसपेरेंट भी है। इसे ऐसे पाम पे रब करेंगे, इसे थोड़ा वार्म करेंगे और अपने स्किन पे ऐसे लगाएंगे। आप वैसे हम बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इसे हेयर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये करियर ऑयल है तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और किसी एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, आई कैन फील दैट, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, और लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं दे रही हूँ इस कर्नल ऑयल को 4.5 out of 5 star। थैंक यू, बाय बाय।